हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियड ऑफ मॉडरेट्स या मॉडरेट फेज। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये वीडियो उसी की कॉन्टिन्यूटी में है। तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए प्लीज पहले आप लास्ट वाली वीडियो जाकर देखें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में है। तो ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी और रेलेवेंट लगेगी। ओके, हम बात कर रहे हैं आज मॉडरेट्स के बारे में। मॉडरेट्स कुछ लोग थे, उनकी एक तरह की सोच थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को डोमिनेट कर रहे थे उस टाइम पर। मॉडरेट्स जो लोग थे वो कभी भी ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में जब तक रहेंगे इंडिया में डेवलपमेंट रहेगा, रूल्स पॉलिसीज गवर्नमेंट ये सब चीजों की नॉलेज रहेगी और कैसे किसी कंट्री को चलाना है ये पता चलता रहेगा। लेकिन अगर ब्रिटिशर्स इंडिया से चले जाएंगे तो मॉडरेट्स को ये लगता था कि हमारे लिए एक कंट्री को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पहले की तरह राजा वाला सिस्टम क्रिएट हो जाए। तो मॉडरेट्स इसलिए चाहते थे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में रहें और इंडिया में डेवलपमेंट करते रहें, क्योंकि उनको ये लगता था कि ब्रिटिशर्स ही कंट्री को चला सकते हैं, हम लोग नहीं चला सकते। ये लोग आईएनसी के ही मेंबर थे, ये लोग ब्रिटिशर्स से काम करवाना चाहते थे, लेकिन बहुत प्यार से रिक्वेस्ट मोड में काम करवाना चाहते थे। इन्होंने कभी ब्रिटिशर्स से मारपीट के दंगा करके किसी डिमांड को छीनना या पूरा करवाने की कभी कोशिश नहीं करी, इन्होंने हमेशा प्यार से बात करी है और शांति से काम करना चाहते थे। तो आई होप आपको मॉडरेट्स के बारे में थोड़ी सी मेंटालिटी पता लगी होगी कि मॉडरेट्स किस मेंटालिटी के थे, किस सोच के थे और वो कैसे अपने ब्रिटिशर्स से काम निकलवाने चाहते थे। तो जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे मॉडरेट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। दिस इज आरजे एंड यू आर वॉचिंग मिशन 360, सो स्टे ट्यून। तो मॉडरेट्स का जो फेज था वो था 1885 से 1905 तक, जिसमें कुछ फेमस लीडर्स निकलकर आए थे, जैसे कि दादाभाई नरोजी, WC बैनर्जी, SN बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, MG रानडे, GK गोखले, राज बिहारी घोष, द्वारकानाथ गांगुली, जिन्होंने एक मैगजीन भी लिखी थी अबला बंधन। तो मॉडरेट्स के कुछ एम्स थे INC में रहने के और ब्रिटिशर्स से वो क्या क्या करवाने चाहते थे। तो उसमें पहला गोल था कि ये लोग अपनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस चाहते थे ब्रिटिश एडमिन सिस्टम में, कि उनके ऑफिस में हमें भी कुछ नौकरी वगैरह मिल जाए अच्छी सी और हम वहां पर भी सेट हो जाएं। लेकिन ये कभी ब्रिटिशर्स को भगाना नहीं चाहते थे और ये जो भी बात मनवाना चाहते थे ब्रिटिशर्स से वो अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड रूल्स मनवाना चाहते थे। ये कभी भी मारपीट के दंगा करके या किसी लॉ को ब्रेक करके अपनी बात नहीं मनवाना चाहते थे ब्रिटिशर्स से। और इनका डिमांड करने का तरीका क्या होता था, तो उसके लिए पहले मीटिंग्स करते थे आपस में, मॉडरेट्स आपस में और INC के और भी लोग आपस में मीटिंग्स करते थे, फिर एक रेजोल्यूशन पास कर दिया और फिर जाकर पेपर में लिख के और पेटिशन डाल दी, रिक्वेस्ट डाल दी ब्रिटिशर्स के ऑफिस में। जो AU होम्स था वो एक कनेक्शन का काम कर रहा था ब्रिटिशर्स एंड INC के बीच, तो ये AU होम्स को देते थे, फिर AU होम्स आगे जाकर इनकी रिक्वेस्ट ब्रिटिशर्स तक पहुंचाता था। अब जैसे कि INC की डिमांड्स क्या क्या होती थी, ये बोलते थे कि टैक्स कम कर दो, बहुत ज्यादा टैक्स चूस रहे हो हम इंडियंस से, तो टैक्स के लिए इनका हमेशा एक एजेंडा रहता था। दूसरा कि अगर कोई भी महामारी या फिर कोई आपदा आ गई, बाढ़, सूखा पड़ना या भूकंप आ जाना या फिर कोई महामारी कॉलेरा टाइप महामारी आ जाना, तो उसमें कुछ रिलीफ फंड रेस करो हम इंडियंस के लिए, हमें हेल्प हो पाए उस फंड से। इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज करने के लिए बोलते थे कि आपने किसानों का खून चूस रखा है, बहुत ज्यादा टैक्स लेते हो, वो कुछ खा नहीं पाते, उनके लिए कुछ बचता नहीं है, तो वो थोड़ा सा चेंज करो। और फिर बोलते थे कि डिस्क्रिमिनेशन वगैरह बंद कर दो, आप गोरे काले बोलते हो ना, हमें अच्छा नहीं लगता, हमारा भी ईगो हर्ट होता है यार। और ये जो आपने मिलिट्री एक्सपेंसेस बढ़ा रखे हैं इतने सारे, आप अपने एम्प्लॉयज को इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी सैलरीज दे रहे हो और वो लोग इंग्लैंड में जाकर भेज रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कम करो और अपने एडमिन एक्सपेंसेस को भी कम करो, ताकि उनसे पैसा थोड़ा बचा कर हम इंडिया में एजुकेशन और एग्रीकल्चर में लगा पाए, ताकि टैक्स कम हो पाए और एजुकेशन में भी खर्चे कर पाए। और ये चाहते थे मॉडरेट्स के लोग कि हम इंडियंस को भी अलाउ किया जाए एडमिन सिस्टम में और जुडिशियरी सिस्टम में ब्रिटिशर्स के, और एक डेमोक्रेसी वाली फीलिंग रखो ताकि हम भी कुछ, और फ्रीडम ऑफ स्पीच को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते थे। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, अपने जितने भी बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स निकल कर आए, उन्होंने या तो प्रेस रिलीज करना स्टार्ट किया
या मैगजीन्स लिखते थे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखने लग गए, तो क्या होता था कि ये लोग ना लिखने से पहले, उस चीज को पब्लिश होने से पहले, ये लोग अपने पास दिखवाते थे उस चीज को कि हम पहले देखेंगे, और फिर उसकी छटनी कर देते थे पढ़ पढ़ के कि ये लाइन गलत है, इससे लोग भड़केंगे, इससे लोग भड़केंगे। तो ऐसा कुछ ये लोग नहीं चाहते थे ब्रिटिशर्स। तो अगर उनको कोई आर्टिकल उनके खिलाफ लगता था तो उसको नहीं पब्लिश होने देते थे, उसको बैन करवा देते थे। तो एक तरह का फ्रीडम ऑफ स्पीच वायलेट हो रहा था, तो इसके लिए इंडियंस या मॉडरेट्स बोलते थे कि हमें अलाउ किया जाए। और इन्हीं पार्टीज में से, आईएनसी में से बहुत सारे लीडर्स निकल कर आए थे जो बाद में एज अ जर्नलिस्ट टर्न हो गए। वो लोग आर्टिकल्स लिखते थे, तो उनके कुछ फेमस आर्टिकल्स या बुक्स मैं आपको बता देता हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। पहला, दादाबाई नरोजी एक जर्नल लिखते थे, रस्ती गुफ्तार। बाल गंगाधर तिलक एक केसरी एंड मराठा का न्यूज़पेपर आता था, उसको एडिट करते थे। मदन मोहन मालविया हिंदुस्तान। लाला लाजपत राय एक पंजाबी में एक मैगजीन लिखते थे, बंदे मातरम। और उस टाइम आईएनसी को जो डोमिनेट कर रहे थे वो मॉडरेट्स थे, और ब्रिटिशर्स मॉडरेट्स को बहुत ज्यादा कुछ समझते नहीं थे। उनको ये लगता था कि ये तो बस ऐसी चमचे हैं, छोटे से एक माइनॉरिटी पीपल है, ये क्या ही कुछ कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि ये लोग अब ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं, ये बहुत उछल रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने ये तो तय कर रखा था कि इंडिया में अगर हमें रूल करना है तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उससे क्या होगा कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ भिड़कर मर जाएंगे और हम आपस में मजे ले लेंगे और हमारा साम्राज्य कामयाब रहेगा इंडिया में। ये लोग ये बात सीखे थे 1857 के रिवोल्ट के बाद। तो यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई कांग्रेस के लिए। इन्होंने एक एंटी कांग्रेस मूवमेंट स्टार्ट कर दी कांग्रेस बनने के 3 साल बाद, मतलब 1888 में, और उनमें लीडर बनाया सईद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस, जिसको नाम दिया यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन। और ये कांग्रेस के बिल्कुल एंटी थे जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ये लोग करना चाहते थे कि एक पार्टी इंडिया में एक ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस करेगी और दूसरी पार्टी इंडिया में दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस करेगी, तो आपस में ये लोग लड़ेंगे और हम लोग तमाशा देख के मजे लेंगे। हालांकि मॉडरेट्स बन गए थे और इन्होंने बहुत कुछ करना चाहा था, लेकिन क्योंकि ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से काम करना चाहते थे तो ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। उन 20 सालों में जब तक ये कांग्रेस के फेज में एज ए डोमिनेंट रहे तब तक ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए, जिसका रीजन था कि ब्रिटिशर्स मॉडरेट्स को सीरियसली नहीं लेते थे। उनको लगता था ये ऐसे ही है, ये बस टाइम पास करने आ जाते हैं, हमसे 2-4 बातें कर लेते हैं, बस इतना ही है। दूसरा, मॉडरेट्स के अंदर जो लीडर्स थे वो बहुत पढ़े लिखे उस टाइम के हुआ करते थे, तो सूट बूट पहनने वाले लीडर्स हुआ करते थे, अच्छे करके हुआ करते थे। तो उस टाइम पे क्या था कि ये लोग डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते थे किसान से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोगों से, जिनको एक्चुअल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। तो कह सकते हैं कि इनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था पुअर पीपल के साथ, जो एक बहुत बड़ा रीजन था कि ये लोग मास को एक्यूमुलेट नहीं कर पाए अपने साथ, बहुत सारे लोगों की भीड़ को फॉलोअर नहीं बना पाए। और क्योंकि उस टाइम पर इस पार्टी में मेजॉरिटी हिंदू लोग हुआ करते थे, तो मुस्लिम्स इस पार्टी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। वो बोल रहे थे कि हिंदुओं की पार्टी है, हमें इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि थोड़ा बहुत उस टाइम तक भी ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर चुके थे। और फाइनली ये लोग मासेस के डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे थे, मास की डिमांड कुछ और थी और ये लोग कुछ और एजेंडा लेकर ब्रिटिशर्स के पास पहुंच जाते थे। हालांकि मॉडरेट्स उस टाइम पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी उनकी थोड़ी बहुत कुछ अचीवमेंट्स थी, जैसे कि उन्होंने बहुत सारे फ्यूचर लीडर्स क्रिएट करे। और ऐसा हुआ भी था, फ्यूचर लीडर्स आईएनसी से निकलकर आए थे और इन्होंने लोगों को ये बताना स्टार्ट किया, इस चीज के बारे में अवेयर किया कि एक डेमोक्रेसी नाम की भी चीज होती है और आपको इस चीज में बिलीव करना चाहिए। तो एक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी की अवेयरनेस को स्प्रेड किया था मॉडरेट्स ने, और एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पर, लेकिन उसको बहुत बड़ी अचीवमेंट माना नहीं गया। दादाबाई नरोजी ने ब्रिटिशर्स को एक्सपोज किया था ड्रेन वेल्थ पॉलिसी से। उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने उस टाइम पर कैपिटा इनकम निकाली 1 साल की इंडिया के बंदे की, और वो निकल कर आई थी 20 रुपए पर ईयर पर पर्सन ऑफ एन इंडियन, जो कि बहुत बहुत ज्यादा कम था। उसका रीजन ये था कि ब्रिटिशर्स टैक्स की फॉर्म में पैसा वसूल वसूल कर हमारा खून चूस चूस कर इंग्लैंड में भेज रहे थे। तो ये दादाबाई नरोजी ने उस टाइम पर एक्सपोज किया था, इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ पॉलिसी। और कांग्रेस बनने के बाद इनकी एक बड़ी अचीवमेंट ये हुई थी,
कि इन्होंने काउंसिल एक्ट 1992 करवाया था और ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की सेकंड कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होगी, क्योंकि फर्स्ट कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी ये लोग काउंसिल एक्ट 1861 में कर चुके थे। तो जब हमने इतना सब कुछ देख ही लिया है तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिसका फर्स्ट पॉइंट था कि इन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की सीट को बढ़ाकर 10 से 16 कर दिया था। पहले 10 हुआ करती थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, इस एक्ट में इन्होंने 10 से 16 कर दिया था और सीट्स जो बढ़ाई थी वो सेंट्रल और प्रोविंसेस दोनों जगह बढ़ाई थी। सेकंड, लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब ये पावर दे दी गई थोड़ी सी कि वो बजट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। नंबर थर्ड, मेजॉरिटी ब्रिटिशर्स की ही रहेगी, चाहे वो सेंट्रल हो या प्रोविंशियल काउंसिल हो, और जितने भी इंडियंस सेंट्रल में या प्रोविंसेस में आते थे उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बोला जाता था, ऑफिशियल मेंबर्स ब्रिटिशर्स ही होते थे। तो नंबर फोर यहाँ आता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर वाइसरॉय नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करता था तो वो ओपिनियन लेता था बोर्ड ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी, एडवाइस या ओपिनियन लेता था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर किस इंडियन को लाया जाए। सेम ऐसे ही नंबर फाइव आता है, जब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात होती थी तो गवर्नर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड करने के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के हेड से पूछता था और जमींदार से पूछता था कि किस बंदे को नॉमिनेट किया जाए प्रोविंशियल काउंसिल में ऐड करने के लिए। तो इस टाइम पर भी इलेक्शन नाम की चीज नहीं थी, नॉमिनेशन होता था लेकिन इनडायरेक्ट नॉमिनेशन होता था। ब्रिटिशर्स किसी इंडिया के दूसरे बंदे से पूछते थे कि किस पर्सन को हायर किया जाए, तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट इलेक्शन नाम की चीज हो गई थी, लेकिन उस टाइम पर इनडायरेक्ट इलेक्शन नाम का वर्ड यूज नहीं हुआ था। तो यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है मॉडरेट फेज को, मॉडरेट फेज की अचीवमेंट्स और उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या रही। हालांकि मॉडरेट्स बहुत ज्यादा कुछ इंडिया में कर नहीं पाए लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इन्होंने चिंगारी जरूर लगा दी थी इंडिया में, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जो एक्सट्रीमिस्ट फेज आएगा वो बहुत कुछ अचीव कर लेगा कुछ ही सालों के दौरान। तो मॉडरेट फेज कंप्लीट हो चुका है विद अ डिटेल्ड डिस्कशन, यहाँ से बाहर आपका कुछ नहीं छूटेगा। प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट करें, जिससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आप इस तरह के वीडियोस और देख पाएं, शेयर करें उन लोगों के साथ जो भारत का इतिहास जानना चाहते हैं डिटेल में। प्रेस द बेल आइकन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एट लास्ट जय हिंद।